मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आवर एक्सरसाइज नंबर 12.1, पेज नंबर 66। प्रीवियस क्लास में हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट 9 तक कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। वर्ड्स प्रॉब्लम, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ काउ इज 2500। एक काउ हमने परचेज किया है जिसका हमें कॉस्ट प्राइस पड़ा है 2500। ओके, इट वॉज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, और उसको हमने बेचा है, उसको बेचा गया था कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 12% हमें जो हमारा सीपी है उसको 12% जो है हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट पता चल गया है इतने परसेंट का हुआ है। तो आपको स्टूडेंट्स इसके थ्रू आपको इसकी हेल्प से फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द काउ, आपको एसपी का पता लगाना है, सेलिंग प्राइस का पता लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम नोटबुक में करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 10 हमारा है कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ। स्टूडेंट्स, हमें काउ का जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2500। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमें दे रखा है प्रॉफिट पार्ट, तो हम प्रॉफिट लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, हमें प्रॉफिट दे रखा है 12% का, गॉट इट। इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखो, सेलिंग प्राइस जो है हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स फाइंड करने का, जब हमें प्रॉफिट होता है, सीपी, सीपी की फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस में हम प्लस करते हैं प्रॉफिट पार्ट। जब हमें प्रॉफिट होता है तो स्टूडेंट्स हम प्लस करते हैं। ओके, नीचे करेंगे हम इसका फॉर्मूला, लिखेंगे सीपी प्लस में सीपी इंटू में प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे रखा है, सीपी हमें दे रखा है स्टूडेंट्स 2500 प्लस में 2500, उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका इंटू, उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका 12, परसेंटेज का साइन है तो हम 100 अपॉन में करेंगे। ओके, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास ये है फॉर्मूले को हमने क्वेश्चन में कर लिया है, इसके बाद हम 00 से 00 ये कट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ पर अपॉन में 1 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 25 को हम 12 से इंटू करेंगे, नीचे आप लिखेंगे 2500 प्लस में 25 को आप स्टूडेंट्स 12 से इंटू करेंगे तो आपका आएगा 300 के स्टूडेंट्स। तो इसे यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 300। ओके, एंड आपका कंप्लीट जो है 2800 आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपके पास आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अगेन हम करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑफ काउ, जो एक काउ को हमने परचेस किया है उसका जो हमें कॉस्ट प्राइस हुआ है, मिला है वो 2500 का है, एंड उसे प्रॉफिट पार्ट जो है 12% का प्रॉफिट पार्ट आया है। एंड अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, हम सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस स्कल टू उसका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में फाइंड करने का, सीपी प्लस में सीपी इंटू में प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो सीपी हमारी 25 प्लस का साइन, फिर सीपी हमारा 2500 इंटू प्रॉफिट पार्ट है 12%, तो 12 अपॉन में 100। ओके, तो 25 प्लस में 25 को हमने 0 से 0 हमारा 100 जो है कट जाएगा, हमारे पास 25 इंटू 12 बच जाएगा, इन दोनों का हमने इंटू कर दिया, हमारे पास आया 300। 25 हमारे पास सीपी है, 300 जो है प्रॉफिट पार्ट है, प्लस कर देंगे हमारा सेलिंग प्राइस है, इतने हमने सेल किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका स्टूडेंट्स सीपी एसपी है।